अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अप टेक। मैं फातिमा कामरान, आज मैं आपके लिए टॉप ऑनलाइन बिजनेस लाई हूँ। लास्ट वीडियो में आपने मेरी देखा था कि मैं टॉप ऑनलाइन स्किल्स लाई थी स्पेशली फॉर बिगनर्स। अब बिजनेस में इसलिए लाई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बिगनर्स नहीं होते, उनको एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने फाइवर अपवर्क पे जाके काम करा हुआ होता है, उनको एक्सपीरियंस होता है। अब वो चाहते हैं कि वो एक स्टेप अहेड करें। हम सारी ज़िंदगी फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, तो जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो फिर वो बिज़नेस की तरफ स्टेप लेते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। आपको अपना बिज़नेस खड़ा करना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, आपको अपनी पैसिव इनकम जनरेट करनी चाहिए। फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी चीज़ है। फ्रीलांसिंग आप करें, 2-3 4 साल तक करें, जब आपके पास पैसा अच्छा खासा आ जाए तो फिर आप उसको बिज़नेस में कन्वर्ट करें, फॉर इन्वेस्ट करें, बिज़नेस करें, ताकि आपकी लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा दे। तो आज मैं आपको बता दूँ कि टॉप ऑनलाइन 5 बिजनेस कौन से हैं, 5 ऐसे कौन से बिजनेस हैं जिसमें आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं, और वो भी फ्रीलांसिंग की फील्ड से ही। तो आइए मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। फाइव टॉप ऑनलाइन बिजनेसेस बिकम रिच, रिच बने। अब कौन से हैं आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग, और ये क्यों है, मैंने इसके रीजन भी देखे हुए हैं। बहुत सप्लाई एंड डिमांड इंक्रीजिंग। एज यू नो कि COVID-19 के बाद ऑलमोस्ट हर चीज़, हर बिजनेसेस ऑनलाइन होते जा रहे हैं, डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, तो हमेशा से डिजिटल मार्केटिंग की रही भी डिमांड और आगे भी रहेगी हमेशा से, क्योंकि हर दिन एक नया बिजनेस ऑनलाइन होता जा रहा है, डिजिटलाइज होता जा रहा है। इसी तरह लोग मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग सीखते भी हैं और सीखे जा रहे हैं, इसलिए बोर्ड एंड सप्लाई एंड डिमांड दोनों ही इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ये टॉप रेटेड बिजनेस है। नंबर 2 पे यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल आप बनाएंगे स्पेशली, ये आपकी मदद करेगा पैसिव इनकम के लिए। आपको 24 घंटे हर वक्त ये नहीं करना होता। आपने एक सिंपल वीडियो अपलोड कर दी, आप हर 2-3 दिन के बाद अपलोड कर दें, जब तक मोनेटाइजेशन नहीं होती, जब तक आपको 4 सब्सक्राइबर और ये सब चाहिए होता है, ये ज़रूरी होता है। उसके बाद तो आपकी एक वीडियो भी वायरल होगी तो आपके लिए तो बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक वीडियो वायरल होने से आपका चैनल बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं कि कॉन्टेंट हम कचरा डालते हैं, कॉन्टेंट हमेशा अच्छा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और वो कंटेंट होना चाहिए जो डिमांडिंग हो। ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसा कंटेंट डाला जो बिल्कुल लोग देखते ही नहीं, सुनना ही पसंद नहीं करते, आप वो कंटेंट डाल देंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। फिर आता है फ्रीलांसिंग एजेंसी। जैसे कि हम सब फ्रीलांसिंग करते हैं तो आखिर में हम ये सोचते भी हैं कि हमें क्यों फ्रीलांसिंग की ही एजेंसी बनाना शुरू करें, मतलब एक आप अपना एक्सपीरियंस हो जाए, फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग की एक एजेंसी इस तरीके से क्रिएट करें, अपनी टीम बिल्ड करें, एक अपना बिजनेस बना लें, अपनी वेबसाइट बना लें, उसमें टीम को हायर करें, प्रोजेक्ट्स लें, वहाँ से आउटसोर्स करना शुरू कर दें, टीम को दें, उनका भी आपकी भी इनकम जनरेट होगी, उनकी भी इनकम जनरेट होगी। ई कॉमर्स की बिजनेस। नंबर 4 पर एवरीवन नीड सेल्स। ये बिल्कुल सही बात है कि हर किसी को सेल्स की चाहिए होती है। हम कोई भी बिजनेस कर रहे होते हैं, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, हमारा मेन मकसद क्या होता है, पैसा कमाना, हमारी सेल्स जनरेट हो। सेल्स कैसे जनरेट होगी, हमारे पास पैसे कैसे आएंगे, जब तक जब सेल्स जनरेट होगी तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो आप ड्रॉप शिपिंग का वो स्टार्ट कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, आप खुद का अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं, या आप फिर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग में ऐसा होता है कि आप किसी की प्रोडक्ट लेकर अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं, उसको मार्केट करते हैं, फिर जब आपके पास ऑर्डर आ जाता है तो आप उसी बंदे को कहते हैं कि ऑर्डर आ गया, वो डिलीवर कर देता है। ना आपको डिलीवर करना होता है, ना आपको कुछ करना होता है, सिंपल सा है। आप जब प्रोडक्ट लगाते हैं अपने उस पर, तो आप थोड़ा प्राइस बढ़ा के लगा देते हैं ताकि आपका भी प्रॉफिट हो जाए और उसकी भी चीज़ बिक जाती है, वो भी खुश, आप भी खुश, ये विन विन सिचुएशन होती है, इसमें आपको कोई लॉस नहीं हो रहा होता। लास्ट में सॉफ्टवेयर सर्विसेज, दिस इंक्लूड्स होल आईटी बट यू शुड पिक अप 1H लाइक वेब डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, इसमें सब कुछ आता है, तो आपको एक पर्टिकुलर नीच उठानी चाहिए, क्योंकि हम हर किसी चीज़ पर एक्सेल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्रीलांसिंग में वेब डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हैं तो आप वेब डेवलपमेंट की नीच उठाएं, उसमें सॉफ्टवेयर बेचना शुरू कर दें, और डोमेन सर्विस का आप शुरू कर दें बिजनेस, या आप लगें ये सब, आप इनको कंसल्टेंसी सर्विस देना शुरू कर दें, जो भी आपसे रिलेटेड जो फील्ड है आप उससे देखें,
कौन कौन से आप बिजनेस कर सकते हैं और वो बिजनेस स्टार्ट करें। ये एक छोटी सी वीडियो थी, इसमें बस यही आपको समझाना था कि आप लोग फ्रीलांसिंग करने के बाद फिर ऑनलाइन बिजनेस की तरफ कैसे जा सकते हैं। होप तो आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और इसी तरह हम मजीद आपके लिए फ्रीलांसिंग से ऑनलाइन अर्निंग से वीडियोस लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।